and STDX with 2 kills. Let's see Team Prime ki taraf se kis tarah se is circle ko hold kiya jata hai, because they have the advantage, main advantage unke paas rehne wala hai. Destroyer ko agar eliminate karne mein kamyab hote hain, so that will be it. Aur Team Qwerty is match se hame sirf 3 kills ke saath second ya third spot pe eliminate hoti hui nazar aayegi. Lekin Sirius ko main zarur daad dunga unki taraf se, jo trigger discipline dikhaya ja raha hai, that is amazing to see. Team Prime aista aista move karti hui circle ka hold lene ki koshish kar rahi hai, aur agar yahan par is match ko Team Prime nahi jeeti, I will be so angry. जितना मैं यहाँ पर गुस्से से शिकार हो जाऊंगा, जरूर मैं उसका इजहार यहाँ पर बरमला करना चाहता हूँ, बिकॉज अब आपके पास प्लेट में पेश हो चुका है एक अच्छी टीम को एलिमिनेट करने के बाद आप जो है वो इस पोजीशन के अंदर आए. लेकिन यहाँ पर एक बैक स्टेप देखने को मिल सकता है, टीम क्यू और एसटीडीएक्स के प्लेयर सीरियस बैक एंड के ऊपर मौजूद है. सीरियस यहाँ पर एक अच्छा बैक स्टेप दे सकते हैं, लेकिन टीम प्राइम हैव नो आइडिया. यहाँ पर एक नॉक निकाला जाता है, दूसरा नॉक निकाला जाता है, टीम एसटीडीएक्स के प्लेयर दूसरा नॉक यहाँ पर निकाल देते हैं, और आई बिलीव यहाँ पर सो क्लोज टू विन अ चिकन डिनर कवर यहाँ पर उनकी तरफ से आता हुआ, 1v3 कर जाता है ये प्लेयर. That's what I was talking about. के अपनी back line को जरूर देखें यहाँ पर कि आपके साथ क्या हो रहा है. लेकिन सीरियस के पास एक अच्छा कवर रहने वाला है, डिस्ट्रॉयर को इजी यहाँ पर पिक ऑफ कर सकते हैं. घास का कवर जरूर रहेगा, लेकिन घास का कवर कितनी देर तक रहने वाला है. सामने एक बग्गी मौजूद है, बग्गी के ऊपर यहाँ पर अगर उसको बर्स्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, सीरियस को कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर ओवर एग्रेस करने की. अगर ओवर एग्रेस करेंगे तो एलिमिनेशन उनका भी मुकद्दर बन जाएगी, जिस तरह से टीम प्राइम के तीनों प्लेयर्स को विद इन नो टाइम एलिमिनेट किया जाता है. स्पेयर की तरफ से देयर वी हैव इट, बैक टू बैक जो है वो यहां पर एलिमिनेशन डील करते हुए टीम क्यूआर एसटीडीएक्स के सीरियस सोलो विनर विनर चिकन डिनर अपनी टीम के लिए लेकर जाते हुए. जी जी बॉयज, जी जी, जबरदस्त 6 किल्स के साथ थर्ड ओवरऑल रैंकिंग के ऊपर इस मैच के चिकन डिनर के बाद आ चुकी है टीम एसटीडीएक्स. द जिम ट्रेनर ऑन द लेफ्ट, बाकी दो प्लेयर्स को आइसोलेट किया जा चुका है. राइट, दिस इज जस्ट अ जोक, अनदर 10 रुपीस जोक, लेकिन विनर विनर चिकन डिनर गोज टू टीम एसटीडीएक्स. स्पॉट आउट कर चुके, नीचे की तरफ कोई मूवमेंट दिखाई हमें दे, लेकिन यहाँ पर यूएजी उस्मान अली गुजर के स्क्वाड के सामने बिल्कुल टीम स्टॉलोटी स्पोर्ट्स का स्क्वाड आ जाएगा. पाब्लो नॉक जरूर हो जाएंगे सारे सिलसिले के अंदर, मैक्सिमस XFTN, लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर पुल ऑफ करते हैं. सामने की तरफ पाब्लो नॉक डाउन जरूर है, किल कंफर्मेशन के भरपूर कोशिश की जाएगी, स्टार्ट एंड क्लोज विसिनिटी में चले जाएंगे, FTN के रशन किया जाएगा, टीम स्टॉलोटी स्पोर्ट्स के बैट बनी को भी नॉक कर दिया जाएगा. कायरो इज द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर, FTN के साइको स्पॉट डाउन कर रहे हैं, इंटेल प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बाकी प्लेयर्स को. स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स अपने 2 वाइटल प्लेयर्स को, 3 वाइटल प्लेयर्स को इनफैक्ट अपने इस मैच से खो देगी. टीम मैक्सिमस ईस्पोर्ट्स 2 किल्स स्कोर कर चुकी है इस पॉइंट पे, लेकिन फ्री स्टाइल का स्क्वाड बिल्कुल सामने की तरफ मौजूद रहने वाला है. स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स के कायरो वहां पर स्पॉट आउट करेंगे, फादी को नॉकडाउन कर दिया जाएगा बिल्कुल यहाँ पर कनाल के अंदर रहने वाले. लेकिन स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स हेलो क्या मैनेज कर पाएंगे सर्वाइव करने में, दूसरे प्लेयर को भी नॉक कर दिया जाएगा. मैक्सिमस ईस्पोर्ट्स के बैक हेड पे तीसरे प्लेयर भी आएंगे, हस्सी को भी नॉक किया जाएगा. यहाँ पर 1v3 ऑलरेडी हो चुका, कायरो का यहाँ पर 1v4 निकल आ सकते हैं. यहाँ पर साइको बिल्कुल सामने की तरफ मौजूद रहने वाले, कायरो क्या यहाँ पर 1v4 करेंगे. टीम मैक्सिमस ईस्पोर्ट्स वर्सेस टीम स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स, क्या ही जबरदस्त फाइट यहाँ पर टीम स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स निकाल चुकी नजर आ रही है. सामने की तरफ मौजूद रहने वाले, एंड हियर गोस द 1v4 टीम स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स. मैक्सिमस FTN को 1v4 करने के बाद इस मैच से रवानगी इख्तियार करने पर मजबूर कर देगी. दिस इज द स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स कायरो फॉर यू, क्या ही जबरदस्त परफॉर्मेंस. To hold it for this particular zone, and the zone could come there as well because it is मौजूद at the center also. EX Liquid in the meantime यहाँ पे अपने को taken down कर दिए जाएंगे. EX की तरफ देखे, 1 fight initiated by them. Liquid यहाँ पे अपने को जरूर से down होते हुए देखे. Meanwhile Light के blade को damage दिया गया. Inception will be taken down as well. Meanwhile blade, that was a really good one Yoshu over there, and with that यहाँ पे अपने बंदे के लिए revival जरूर से provide कर दिया जाना चाहिए. Sus meanwhile taking one other guy down, and Crypto versus Sus, a 1v1 scenario देखना रहेगा. Sus will be taking him down or Crypto will be taking him down. I guess supposedly say Sus will be taking him down, but not really. You showed your back, there's the mistake you did, and Crypto won't really be missing in chance on that. And with that EX, that is X Nation, has been wiped out of this lobby already. So a good and a great I can say domination there over by team I8 OP in the chat supposedly. Crypto does that 1v3 to team EX. That was something that people were waiting for this moment. That is an eye pleasing clutch over there. Zeus IC meanwhile with that grenade, not only guns, not only ARs, not only DMRs, they be like, we are good with everything.
another molly molly could be hitting there as well dekhna rahega molly not really hitting there but upar ki taraf se juice ke baaki do bande hai so dekhna rahega wo kitni dikkat hai dekho not really juice but yahan pe sg ke baaki bande hai wo dekhna rahega kitni yahan pe you know मशक्कत कर पाते हैं हेवन की तरफ देखे हेवन यहाँ पे अपने को कवर प्रोवाइड करते हुए देख रहे हैं अपने बंदों के लिए बट अंटिल व्हेन इज इट गोना बी पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी टेकन डाउन एज वेल इट्स नॉट इट्स गोना बी एनी टाइम सून दैट यहाँ पे गॉडेस जो है गॉडेस यहाँ पे अपने को फ्लैंक करते हुए देख रहे हैं ऑलरेडी ही वेंट देयर फॉर अ स्ट्रेट फ्लैंक दैट वाज अ रियली लाइक ब्लंडर मिस्टेक बिकॉज़ एएसएल टुक हिम डाउन जूस के बंदों को मैंने एक चीज नोटिस किया है दैट दे वांट टू प्ले इन अ स्प्लिट दे आई हेट प्लेइंग इन अ स्प्लिट तो स्प्लिट कभी कभी काफी ज्यादा दिक्कत भी दे सकता है तो अपने को देखना रहेगा राइट नाउ ज्योल की तरफ से ज्योल यहाँ पे एक 1v1 के लिए जरूर से दिखने वाले गिवन सम डैमेज टेकिंग डाउन वन गाय अनदर गाय विल बी टेकन डाउन एज वेल सो विद दैट ज्योल ऑसम 1v3 बाय टीम ज्यूस के ज्योल ओवर देयर एंड ही विल बी गोइंग गिविंग दैट रिवाइवल एज वेल सो अब यहाँ पे ऑल टुगेदर जोन जो है फॉर्मिंग होता हुआ दिख गया है गाइस लेट्स हैव ज्यूस ज्योल ओपी इन द Shot over there. That was a great one, Joel over there. That was a really, really great one. But meanwhile, if I talk about the zone shift, that is going to happen in some second. 0-0-0-4 zone already. 38 players alive, 11 teams alive. Let's just see to it who's going to get wiped out the first. And let's just see to it कौन सा बंदा जो है zone के अंदर make in करने वाला है. Meanwhile, 7 kills for them. काफी ज़्यादा low health पे. PN के यहाँ पे आयुष काफी ज़्यादा close में. Nate जा रहे consecutively. Nate जा going from either of the side. He could be taken down. Yes, he has been taken down. He was present at a very, very low health. The Nate could have hit at any angle and it did hit. यहाँ पे इनको रिवाइवल जरूर से दे दिया जाएगा संदेश को मीनवाइल यूएसएम जो यहाँ पे नेट करते हुए नहीं थकने वाले यहाँ पे पीछे से किलर वाइटी का कवर जरूर से आएगा बट किलर वाइटी ही कुड बी इराडिकेटेड एज वेल एट दैट पोजीशन यहाँ पे देखना रहेगा यूएसएम की यूएसएम यहाँ पे अपने को कितना डैमेज देते हुए देखते नेट गया जरूर हिट डेट यहाँ पे एक बंदा जरूर से डाउन हुआ आयुष लो हुआ बट वो डाउन जरूर से नहीं हुआ 1v1 रहने वाला है 1v1 काफी इजिली निकाल लेंगे वहां पे बट नहीं आयुष बी लाइक आई एम स्टिल देयर यहाँ पे आयुष एक बंदा डाउन कर चुके हैं अनदर गाय भी कुड हैव बीन टेकन डाउन ड्रॉप शॉट ओवर देयर क्रिप्टो मार जाएंगे सो विद दैट एलिमेंट्रिक्स नॉट रियली एलिमेंट्रिक्स आई एट दैट इज इल्यूमिनेट एक और स्क्वाड वाइज इनके द्वारा देखने को मिल गया 10 किल्स फॉर देम सपोजेडली 34 अलाइव टॉप 10 टीम्स यहां पे आ चुकी है ग्रेट आईक्यू ओवर देयर एंड मीनवाइल इफ आई टॉक अबाउट आईसीआईसी फोर्थ वन गाय डाउन कुड बी टेकिंग हिम डाउन एज वेल स्काई को यहां पे डैमेज डील जरूर से कर दिया गया डाउन करने का ट्राई जरूर से था 1v1 सिचुएशन मीनवाइल खूनी विल बी गिविंग सम कवर टू हिम एंड एक बंदा डाउन है यहां पे आईसी के लिए 1v1 सिचुएशन होने वाली है एंड विद दैट एक्स्ट्रा एस्ट्रा एकेडमी का एग्जिट हो जाएगा यहां पे टॉप 3 टीम्स इज गोना बी द वन सर्वाइविंग इन फ्रंट ऑफ अस 3 फर्स्ट एड विद हिम खूनी की बात करें खूनी इज हैविंग 2 फर्स्ट एड सो मीनवाइल इट्स गोना बी अ 4v4 वर्सेस यूज वर्सेस आई8 एंड मीनवाइल वन गाय टेकन डाउन फ्रॉम आई8 ऑलरेडी आई8 के लिए दिक्कत है खड़ी जरूर से यहाँ पे क्योंकि दो बंदे सपोजिटली डाउन है ज्यूस स्टैंडिंग ऑन अ 4 मैन सर्वाइवल राइट नाउ एचवी मीनवाइल रियल बैटल कर रही है तो एचवी का खात्मा जो है काफी इजीली कर दिया जाएगा वहां पे एचवी कुड बी टेकन डाउन काफी इजीली एंड मीनवाइल क्रिप्टो के ऊपर शॉट फायर किया गया 10 HP 16 HP मोर डैमेज डेल्ट ओवर देयर विद दैट ब्लास्ट ऑफ जॉनी विल बी टेकन डाउन एंड सपोजिटली क्रिप्टो विल बी टेकन डाउन एज वेल नॉट रियली क्रिप्टो विल बी दी ओनली वन सर्वाइविंग एंड विद दैट एक्सप्लोसिव ज्यूस टेक्स अ विनर विनर चिकन डिनर दैट वॉज अ रियली रियली एनर्जी फ्रॉम मी एज वेल I was really very like energized to see you taking a chicken dinner and they did it over there. I could see a lot of kills. That was a 16 kills winner chicken dinner. Juice Esports. Are you gonna stop mesmerizing us with each and every, you know, great what we call it, frags and winner chicken dinners over there. So if I talk about I8, Crypto was playing a really, really good match over there. Team I8 supposedly took, I can say, 14 kills, 14 being hashtag 2. And with hashtag 3, I see HV. अपने एक बंदे के नुकसान पे यहाँ पे मौजूद. Oh, बिल्कुल team QR का bad luck यहाँ पे QR बंदे. Oh no! Team QR red zone के अंदर सारी की सारी. Oh my God, what a luck! What a luck! Oh my god! Team QR! Honestly, I've got sympathy with you guys. Honestly, you guys got a bad luck. बहुत ही ज्यादा मेरी हमदर्दी है आपके साथ. आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी मुझे देखने को मिली है पिछले दोनों मैचेस में. एंड यहाँ पे भी आपने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट का एक प्लेयर नॉक निकाला. उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा नहीं चलेगा. लाइक ठोकी दबा के यहाँ पे देखिए.